आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज का टॉपिक है कि प्रैक्टिकल का जो वाइवा होगा उसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है आपका और क्या क्या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो डेली अपडेट्स आती रहती हैं NIOS से रिलेटेड या जो भी चीज़ इंफॉर्मेशन या मटेरियल पढ़ने का मिलता रहे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले वाइवा में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, वाइवा के अंदर जो प्रैक्टिकल होगा आपका, सबसे पहले अपनी फाइल्स लेके जानी है आपको। जो आपके पास फाइल है उसके भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आपकी जो फाइल्स है या जो भी मटेरियल आप लेके जाएंगे वहाँ पे, जो भी चीज़ होंगी वहाँ पे उसके मार्क्स मिलते हैं कि तो भाई आपने प्रैक्टिकल फाइल दिखाई, लो जी इसके नंबर इतने। उसके बाद है राइटिंग, वहाँ पे आपको कुछ लिखवाया भी जा सकता है कि तो भाई आप ये लिखिए और ये लिखिए। ठीक है, और साथ में क्या सवाल आते हैं। देखो, सवाल का तो जवाब यही है कि मैंने आपको बताया ना, वाइवा आप प्रैक्टिकल फाइल लेके जाएंगे तो प्रैक्टिकल फाइल में ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल फाइल में से पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब वो शुरू में तो थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट टाइप लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्या करते हैं, उसे देखते हैं कि भाई बच्चे ज़्यादा हैं और वो हैं तो फिर अपने हिसाब से वो करते हैं। कई कई प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं कि भाई कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछते, सिर्फ जमा कर लेते हैं। फाइल के अंदर क्या है आपका उसमें से पूछेंगे। होम साइंस का तो आप कुछ बना के ले जाइएगा। होम साइंस में ये होता है कि आप कोई खाने की चीज़ पका के ले जाइए घर से, उसमें आपसे जब सवाल करते हैं पहले तो फाइल रख लेंगे, फिर उसके बाद होम साइंस से रिलेटेड जो आप खीर बना के ले गए या बिरयानी बना के ले गए तो उसमें से चखेंगे, कहेंगे भाई आपने कैसे कैसे बनाया बताइए। तो आप बताएंगे कि भाई इसमें हमने जो है दूध डाला है, चावल डाले हैं, मेवा डाली है, कैसे कैसे जो भी प्रोसेस होता है ना उसका, खाने के तैयार उसका तैयार करने का, वो A to Z आपसे पूछेंगे। इसके बाद है प्रैक्टिकल थ्योरी। अब प्रैक्टिकल थ्योरी जो है, प्रैक्टिकल में देखो फिक्स नहीं होता कि भाई क्या पूछें क्या ना पूछें, ये उनके ऊपर डिपेंड होता है क्या। और अगर होम साइंस का लेके जा रहे हैं आप तो फर्स्ट एड बॉक्स भी ले जाइएगा और अपना कुछ घर से बना बनू के भी ले जाइएगा ताकि जो है वो आ जाए। ठीक है, बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आप सीख भी जाएंगे। पेंटिंग है तो पेंटिंग में कलर लेके चले जाइएगा, फाइल ले जाइएगा, अच्छे से फाइल को डेकोरेट कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात होती है आपका बिहेवियर। टीचर के साथ अपना अच्छा बिहेवियर रखेंगे तो आपके बिहेवियर पे भी कहीं ना कहीं टीचर का इफेक्ट पड़ टीचर पे इफेक्ट पड़ता है। अगर टीचर देखो बहुत सारे अलग अलग भाषा से बात करते हैं तो आप जो है बिल्कुल भी कोशिश ना करेंगे वो बदतमीज़ी से आप बदतमीज़ी करेंगे, हमेशा अच्छे अखलाक से पेश आएंगे तो आपको इंशाल्लाह इसका भी फ़ायदा होगा। तो प्रैक्टिकल में यही सारी चीज़ें होंगी, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं मैंने आपको बता दिया। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है आपको, प्रैक्टिकल फाइल भी अवेलेबल है, कैसे बनानी है सारी अवेलेबल है। 16 तारीख से आपके 16 अक्टूबर से प्रैक्टिकल शुरू है तो आप उसके लिए तैयार रहिए। और प्रैक्टिकल अपना हॉल टिकट भी आ जाएगा, जैसे ही हॉल टिकट आएगा उसके के बारे में भी बता दूंगा कि भाई हॉल टिकट आ गया, आप जो है हॉल टिकट डाउन उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक।